अब आपका चित्त जो है आपका जो चित्त है, जब आप साधारण मानव रहते हैं तो शरीर बुद्धि और मन तीनों में रहता, और आप खोजते रहते हैं उस चीज को जिससे आप आनंद पाए। जब आप उस चैतन्य शक्ति से एकाकार होते हैं, कुंडलिनी के जागृति से सहस्त्रार पे आपका चित्त आकर के उसे एकाकार होता है, तब आपका चित्त जो है अपनी कुंडलिनी पर जाता है, और अपनी कुंडलिनी पे जाते ही आपका दूसरे भी दूसरों के भी कुंडलिनी पे जाता है। यानी अभी तक आपका चित्त तीन जगह तक जा सकता था, अब एक चौथी जगह जाता है जो निराकार शक्ति है, और उसमें जाते ही आप विचारों से परे उठ करके और इस मन बुद्धि और शरीर तीनों को देखने लगते हैं साक्षी स्वरूप होकर। आप जिन लोगों के हाथ में से झनझन झनझन ऐसे चैतन्य की लहरियां बह रही हैं, इन लहरियों को हम लोग इतने सहज में पा गए हैं कि हम जानते नहीं कि कितनी बड़ी चीज हमें मिल गई। इसी तरह से ये घटना जो है इतनी सहज में होती है, इतने सहज में ये घटना होती है कि आपको ऐसा लगना स्वाभाविक। लेकिन कोई बात सहज में हो जाए और चाहे बहुत तकलीफ से हो जाए, याद वो रहती है जो तकलीफ से होती है, और समझ में वो होती है जो तकलीफ से होती है। ये मानव का स्वभाव है, और मानव उसी में अपने को बड़ा धन्य समझता है जो वो किसी कर्तव्यगारी से पाता। बाप ने अगर लाखों रुपए की भी उसको स्टेज दे दी तो उसकी वो विशेषता नहीं समझ, पर उसके कमाई से उसने अगर 2 रुपए भी मेहनत से कमाए तो उसको बड़ी भारी चीज समझता कि मेरी कमाई। ये उसके अहंकार का लक्षण है, ये उसके अहंकार की तृप्ति है। लेकिन सहयोग में तो अहंकार ही जब टूटता है तब फिर अहंकार से कोई चीज पाने की तो बात ही नहीं। इसलिए अहंकार जो है वो अतृप्त रह करके इस तरह की शंकाएं अंदर उठाता है कि ऐसे सहज में क्यों। अब अपने रियलाइजेशन की जो तरीके और जो होता है जैसे जैसे रीति से वो होता है, ये सब आप में से बहुतों ने देखा, तो किताबों में अब हर एक किताब में एक नया तरीका पाएगा कि जब आत्म साक्षात्कार होता है तो ऐसे हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये हो जाता है। अब इसमें से कितने लोग पार हैं और कितने नहीं है एक परमात्मा जाने, लेकिन आप में से जो लोग पार हुए हैं और धीरे धीरे आपने अपनी गति ऊपर की है, आप लोग जानते हैं कि आदमी जब पहले पार होता है तो सिर्फ उसका संस्कार टूटता है और वो एकाकार होता है उस चैतन्य की से। फिर इसके बाद तो भी वो यही रहता है और उसकी दृष्टि अपने और दूसरों के कुंडलिनी पे आ तो जाती है, लेकिन वाइब्रेशन जो उसके अंदर आ रहे हैं वो कभी कभी एकदम रुक जाते हैं। और वो अगर अपने सर पे हाथ रखे तो देख लेगा कि उसके सर पे जहां पर कि बिल्कुल नरम हो गया था वहां फिर से कड़क हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो ना कालच पार जाता है, अभी आप कल ही पार हुए थे और आपका कैल्सिफिकेशन, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो ईगो और सुपर ईगो है वो हट जरूर जाते हैं, हमारा चित्त बीचों बीच जरूर आ जाता है, लेकिन वो फिर से ग्रो करके और एक हो जाता है। वो फिर से ग्रो करके एक हो जाता है, और जब वो ग्रो करके एक हो जाते हैं तो फिर से कैल्सिफिकेशन हो जाता है और प्रवाह बंद हो जाता है। लेकिन आप तो भी कुंडलिनी समझ सकते हैं, वो कैसे कि आप उसके बाद अगर ध्यान में आए और मेरी ओर हाथ करें तो आपको लगेगा कि ये हाथ पकड़ गया, अभी पुष्पा ने मुझे आके कहा कि मेरे ये अंगूठा पकड़, ये पार है। क्योंकि वैसे जो लोग आदमी पार नहीं है, जो पार नहीं है वो अगर मेरे और हाथ करके बैठे तो उनको कुछ भी नहीं लगेगा,
लेकिन जो लोग पार होगा उनको लगेगा कि माता जी देखो ये उंगली मेरी पकड़ गई। को ऐसा लगेगा कि ये उंगली मेरी पकड़ गई है या ये उंगली मेरी पकड़ गई है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। उसमें से जो जानकार लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि कौन से उंगली का इशारा, कौन से चक्र। अब ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, दिमागी जमा खर्च से इस बात का पता नहीं लगा। मैंने तो बताया नहीं, क्योंकि मैं अगर इसको बताती तो सब लोग ये कहते कि माता जी यूं ही उड़ा रहे। मैंने कहा तुम ही देखो। तो जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा और जब उनकी ये उंगली जलने लगी तो मैंने कहा कि अच्छा इनके नाभि चक्र पे तुम हाथ रख के देखो, तो नाभि चक्र चल रहा है। अपने अंदर आंख बंद करके देखो तुम्हारा कौन सा चक्र चल रहा है, तो नाभि चक्र चल रहा है। और जब हाथ तुमने उनके ओर किया तो कौन सी उंगली जल रही, ये उंगली जल रही। इसका मतलब ये उंगली नाभि चक्र का साक्षात, और सबकी यही उंगली पकड़ी जाएगी उस आदमी। पहला तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कि इतनी बड़ी चीज इतने सहज में कैसे मिले। जैसे कि एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि मानव का जन्म हम लोग इतने सहज में पा लेते हैं कि हम ये जानते ही नहीं कि मानव जन्म पाना, जन्म जन्मांतर की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से मानव का जन्म होता, और उसका पुनर्जन्म तो बहुत ही जन्म जन्मांतर की मेहनत के बाद और खोज के बाद पुनर्जन्म होता। लेकिन वो इतने सहज में घटित हो रहा है कि उसकी कीमत हम लोग समझ नहीं पाते, और ये भी सोचते हैं कि इतने जल्दी कैसे हो। उसकी वजह ये थी कि आज तक आप सारी खोज बाहर कर रहे थे और चीज आप ही के साथ थी। जैसे कि आपके अंदर कोई हीरा बैठा हुआ है और आप सारे दुनिया में खोज रहे हैं और आपके यही हीरा गिरा हुआ, और फौरन किसी ने बता दिया कि हीरा तो यही है और आपको रास्ता भी बता दिया, आपने हीरे को पकड़ लिया। फिर आप ये थोड़ी कहेंगे कि अरे इतने जल्दी कैसे, आप तो यही कहेंगे कि अरे मैं यही था और मैं दुनिया भर में कहाँ खोजता फिर रहा। ये बात वास्तविक हो रही है। जब हमें सहज योग से ये दशा प्राप्त होती है तो वास्तविक में हमें इसकी प्राप्ति इतनी सहज में होती है कि हम समझ नहीं पाते कि कहाँ से कहाँ पहुँचे। या ये कहिए कि आधुनिक युग में जिस तरह से आप एकदम से चंद्रमा पे पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं चलता आप अगर चंद्रमा में एक क्षण में अगर पहुंच सके, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो आप, हो सकता है कि आप ऐसे ही महसूस करेंगे कि हम ये कहां पहुंच गए, कैसे हो सकता है चंद्रमा में हम एक क्षण में कैसे। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अभी अभी रियलाइज हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े दिन पहले रियलाइज हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने रियलाइज हुए हैं, जो कि इस चीज को समझ गए हैं कि अपनी चेतना क्या है, वो किस तरह से कार्य प्रवण होती है, किस तरह से कार्य करती है और किस तरह से हम उसको अपनाते जाते हैं। इस तरह से यहाँ तीन तरह के लोग होने के कारण मैं कुछ कुछ बातें फिर से दोहरानी पड़ेंगी और बताऊंगी, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि रियलाइजेशन का अर्थ क्या है, फिर रियलाइज्ड आदमी में क्या विशेषता होती है। पिछले मर्तबा भी मैंने बहुत सी बातें बताई हैं कि रियलाइज्ड आदमी की क्या विशेषता है, और आगे इसको किस तरह से हमें रियलाइज्ड स्टेट में हमें कैसे रहना चाहिए, इस तरह से तीन इस पर मैं बताऊंगी। इतना जरूर होना चाहिए कि इस वक्त आपने जो पढ़ा लिखा है, जहां पर भी जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, उसको अभी भूल जाइए। पहले तो प्रश्न यह है कि रियलाइजेशन का अर्थ क्या है। जब आप पैर पर आते हैं तो उसमें से कितने ही लोगों को कहा जाता है कि आप पार नहीं हुए, और कितने ही लोगों को कहा जाता है कि आप पार हो गए। इसका एक तो अर्थ है ही कि रियलाइजेशन का संबंध आपके बाहरी शरीर मन बुद्धि से नहीं है, किंतु किसी आंतरिक चीज से है जो कुछ लोगों को हो जाता है और कुछ लोगों को नहीं होता।
रियलाइजेशन में जब आप लोग मेरे पैर पे रहते हैं, उस वक्त जो हाथ में देखते हैं लोग, वो ये देखते हैं कि उनके ऊपर जोर से प्रवाह हाथ में आने लग जाता है, और आपको भी पैर में ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो भी पैर में झकझक झकझक जा रहा है। अपनी चारों तरफ मनुष्य के वातावरण के और सारे संसार की चारों तरफ चैतन्य शक्ति खेल रही, अंदर और बाहर। जैसे कि हर एक पेड़ के अंदर भी चेतना शक्ति है, उसके पत्ते में भी चेतना शक्ति है, उसके मूल में भी है, और उसी तरह से इस सारे भूमंडल पर भी चैतन्य शक्ति का वास है। चारों तरफ जैसे कोई ईथर होता है, इस तरह से ये चैतन्य शक्ति चारों तरफ चल रही है और अंदर बाहर हर जगह उसका वास है। और वही शक्ति पूरा जो कुछ कार्य जड़ शक्ति का करने का है करती रहती है। अब ये शक्ति हमारे अंदर कुंडली नामक, इसको कि कुंडली लोग कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं, लेकिन कुंडलिनी एक शब्द है दिया हुआ। हालांकि परमात्मा ने किसी भी चीज को अर्थ ही दिया है और शब्द तो दिया नहीं है, जैसे किसी का नाम दिया नहीं, पर मानव ने दिया हुआ नाम इसका कुंडलिनी। कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी के नीचे जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसमें स्थित है। उसके बारे में अभी मैं एक आर्टिकल निकालने वाली हूँ मानव शक्ति में, तो आप उसके सारे डिटेल्स पढ़ लीजिएगा और उसके साइंटिफिक नाम जो कुछ है वो भी आप जान लीजिएगा, और आप में से बहुत से लोग उसको जानते भी। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।